हेलो स्टूडेंट्स यो वेलकम इन अभ्य यूट्यूब चैनल आज आपका टर्न है एक्सरसाइज सिक्स सी कम्प्लीट करने का ठीक है सिक्स बी तक आपके पिछले वीडियो में सारे क्वेश्चन हो चुके हैं तो देखिए सिक्स सी स्टार्ट करते हैं उसमें जो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है इसके लिए आपको अपनी बुक ओपन करनी होगी आप बुक ओपन कर लीजिए पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप डिवाइड करके बताइए और ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का आपका डिवाइड देना है इसमें आपको थ्री एक्स वाई से तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि थ्री से ट्वेंटी फोर कट जाएगा एट बाय ऊपर एक्स के कितने हैं ऊपर एक्स के दो टर्म्स हैं लेकिन नीचे एक्स का कितना है सिर्फ एक तो एक एक्स से एक एक्स कटेगा और एक वाई से आपका एक वाई कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा एट एक्स वाई और ऊपर वाई स्क्वायर है वाई क्यूब है सॉरी यहाँ पे वाई क्यूब है तो वाई के तीन हुए तो तीन में से आप वाई का एक काट देंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा तो यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर बचेगा तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया ठीक है इसी का जो सेकंड पार्ट है अब हम वो देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है थर्टी सिक्स एक्स वाई जेड स्क्वायर दे रखा है और नीचे क्या दे रखा है माइनस का नाइन एक्स जेड तो देखिए माइनस का तो माइनस रहेगा क्योंकि ऊपर माइनस नहीं है अगर ऊपर माइनस होता तो माइनस से माइनस कट जाता तो माइनस में तो आंसर आने ही आना है ठीक है तो यहाँ पे माइनस आपको लगाना है दूसरी बात तो नाइन से कितनी बार कटेगा फोर वन नाइन फोर जगह थर्टी सिक्स फोर लिख दिया आपने फिर देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा जेड से एक जेड कट जाएगा तो आपके पास ऊपर से वाई जेड बचेगा तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस फोर वाई जेड ये आपका आंसर हो गया ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कह रहा है? माइनस सेवनटी टू माइनस दे रखा है सेवनटी टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड दे रखा है माइनस ट्वेल्व एक्स वाई जेड दे रखा है तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा उसमें माइनस प्रेजेंट नहीं था लेकिन आप इसमें माइनस इजीली कट कर सकते हैं क्योंकि इसमें अवेलेबल है जेड से जेड कट कर देंगे एक वाई से एक वाई कट कर दीजिए एक एक्स से एक एक्स कट कर दीजिए तो इधर बचेगा क्या सिर्फ एक्स वाई ट्वेल्थ सिक्स जाए सेवेंटी टू तो क्या बचेगा सिक्स तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा सिक्स एक्स वाई यहाँ पर आपका क्वेश्चन फिनिश होता है अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर उसमें आपसे क्या कह रहा है माइनस फिफ्टी सिक्स एम एन पी स्क्वायर ठीक है ये आपको दे दिया और नीचे क्या है सेवन एम एन पी ये आपको दे दिया तो देखिए एम से एम कट जाएगा एन से एन कट जाएगा एक पी से एक पी कट जाएगा ऊपर से पी बचेगा लेकिन सेवन एट जाए फिफ्टी सिक्स तो माइनस एट पी आंसर आएगा ठीक है इसको आप नोट no डाउन कर लीजिएगा माइनस एट पी आंसर है यहाँ पर अब देखिए जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी डिवाइड की वो कंप्लीट हो चुकी है अब जो सेकंड कैटेगरी है हमें वो करनी है डिवाइड की उसमें हमें क्या करना होगा तो ये आपको दे रखा है फाइव एम स्क्वायर यहाँ पे फाइव एम क्यूब दे रखा है बुक में और आपकी बुक में यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो आप स्क्वायर से करिए और अगर क्यूब दे रखा है तो आप क्यूब से करिए ठीक है फिर दूसरी लाइन में क्या है सेकेंड टर्म माइनस थर्टी एम स्क्वायर प्लस फोर्टी फाइव इस पूरे में आपको डिवाइड देना है फाइव एम से ठीक है तो अभी हम यहाँ पे स्क्वायर लेके चल रहे ले हैं अगर आपकी बुक में क्यूब दे रखा है तो आप क्यूब लेके चलिएगा ठीक है अब आप देखिए फाइव से फाइव कट जाएगा क्योंकि इस फाइव एम का डिवाइड हम तीनों में देंगे और फाइव एम से एम कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा सिर्फ इसको सॉल्व करने पर एम बचेगा सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी फाइव सिक्स जा और एम से एम कट जाएगा, जाएगा। फाइव नाइन जा और नीचे एम बचा रहेगा तो आपका ये आंसर हुआ ठीक है अब देखिए इसी का सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? एट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस टेन एक्स स्क्वायर वाई क्यू में आपको डिवाइड देना है टू एक्स वाई से तो देखिए टू से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा फोर एक्स वाई सिक्स में आप डिवाइड देंगे तो माइनस का थ्री वाई बचेगा और टेन एक्स स्क्वायर वाई क्यू में आप डिवाइड देंगे तो फाइव एक्स वाई स्क्वायर बचेगा ठीक है जब आप तीनों में डिवाइड देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा अब देखिए इसी का डिवाइड नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड उसमें आपसे क्या कह रहा है नाइन एक्स स्क्वायर भाई माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस ट्वेल्व एक्स वाई स्क्वायर में आपको डिवाइड देना है माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर से अब माइनस है तो तीनों में जाएगा माइनस ठीक है यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड में आपका आंसर आ जाएगा इस टाइप से कुछ अब देखिए आपको डिवाइड देना है तो आप डिवाइड कैसे देंगे नाइन एक्स स्क्वायर है पहले पहले टर्म में और नीचे क्या है थ्री एक्स वाई स्क्वायर तो देखिए एक एक्स से एक एक्स कटा एक वाई से एक वाई कटा ऊपर एक्स बचेगा नीचे वाई बचेगा और थ्री थ्री जा सही है तो आप इस टाइप से डिवाइड दे देंगे यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है उस पर आप फोकस मत करिए यहाँ पे आप देखिए थ्री से टू कट जाएगा नीचे थ्री ऊपर सिक्स है थ्री टू जा और क्या बचेगा एक्स से एक्स कट जाएगा वाई से एक वाई कट जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे थ्री फोर जा और एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है अब आप, आप इसको अरेंज कर लीजिए इन तीनों का आप एल्सीयम लेना चाहें एल्सीयम ले लीजिए या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका ये आंसर आ गया ठीक है यहाँ पे हाँ थोड़ी सी मिस्टेक है थ्री की वो आप अपनी सही कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थ्री थ्री या नाइन तो यहाँ पे ऊपर नाइन नहीं आएगा ना ऊपर थ्री आएगा तो यहाँ पे भी थ्री आएगा और आगे यहाँ पे आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर वाई और वाई का एल्सीयम लेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर ट्वेल्व एक्सी पावर फोर प्लस एट एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर में आपको डिवाइड देना है माइनस टू एक्स स्क्वायर से तो माइनस टू एक्स स्क्वायर का डिवाइड आप तीनों में देंगे इस टाइप से लिख लेंगे अब जब साइन चेंज होंगे तो इधर माइनस का आ जाएगा इधर प्लस माइनस के माइनस हो जाएंगे और इधर माइन माइनस के प्लस हो जाएंगे टू से थ्री बाढ़ जाएगा तो थ्री आ गया अगर यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा एक्स स्क्वायर से दो एक्स कट जाएंगे एक एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर से दो एक्स कट जाएंगे तो आपका एक्स स्क्वायर बचेगा तो आपका ये आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कह रहा है पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वैन बी डिवाइड इसमें आपको क्वेश्चन रिमाइंडर निकालना है जब आप इसको डिवाइड देते हैं तो ठीक है तो देखिए सी डी सी प्रोसेस है यहाँ पे आपका क्या नंबर दे रखा है एक्स माइनस टू और अंदर क्या दे रखा है आपको नंबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर अब देखिए x में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए ठीक है तो हमें सिर्फ पहला पहला नंबर देखना होता है क्वेश्चन का भी और बीच में जो नंबर दे रखा होता है ये पूरा इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड ठीक है ये जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है इसको डिवाइडेंड बोलते हैं इसका फर्स्ट टर्म देखा और इस क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म देखा अब देखते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल है तो तो सीधे सीधे यहाँ पे वन लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का वन में मल्टीप्लाई करते एक्स स्क्वायर आ जाता लेकिन अभी सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे एक्स में हमें सोचना पड़ेगा किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे अब जब आपने यहाँ पर एक्स लिख दिया तो इस एक्स का, तो का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर अगर टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू एक्स ठीक है अब आपके पास क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो आप उसमें माइनस कर देते हैं ठीक है जैसे ऊपर कितना लिखता है टू यहाँ पे एट होता है सही है तो टू फोर जा एट फिर एट में से एट माइनस करा तभी तो जीरो बचता है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं ना आप तो ये साइन चेंज हो जाता है एट था कैसा प्लस का था ना अब माइनस का साइन आपने कर दिया ऐसे यहाँ पे प्लस का ये माइनस का हो जाएगा ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा साइन चेंज हो जाते हैं ये कट जाएगा और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा माइनस का टू एक्स प्लस फोर अब आप देखिए x में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस टू एक्स आ जाए तो आप इसमें माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन अब इस माइनस टू का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो x में करा माइनस का टू एक्स और इसमें करेंगे तो प्लस का फोर अब आप साइन चेंज कर दीजिए ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा कट जाएगा जीरो बचेगा तो आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी आई ये आपके पास कितनी वैल्यू हो गई एक्स माइनस टू ठीक है तो जो इसका आंसर होगा वो आपका x माइनस टू हो जाएगा ठीक है ये आप देख सकते हैं आपका आंसर x माइनस टू आ गया रिमाइंडर आपका जीरो अब ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम फिर कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना हुआ x माइनस टू और रिमाइंडर कितना हुआ जीरो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस टू दे रखा है आपको और अंदर ब्रैकेट में क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर अब आप देखिए x में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन कंडीशन क्या होती है अब इस एक्स का मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे मीन्स एक्स में भी और टू में भी तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लिखना पड़ेगा आपको ये माइनस का ये प्लस का अब आप इसको कैसे लिखेंगे टू एक्स माइनस फोर आप देखिए एक्स में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि टू एक्स आ जाए प्लस टू का कर देंगे तो अब आप इसका मल्टीप्लाई टू का इस पूरे में करिए टू एक्स प्लस फोर ठीक है टू एक्स प्लस फोर ही आएगा ना ठीक है और एक चीज़ और यहाँ पे आपको x प्लस टू दे रखा है और यहाँ पे आपका कितना था टू एक्स माइनस फोर सही है तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स ये माइनस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा ये कट जाएगा यहाँ पे फिर माइनस का एट बचेगा लेकिन अगर हम इसका कंपेरिजन इससे करें तो एक दिक्कत आएगी क्या दिक्कत आएगी हमने यहाँ पर माइनस ले कर चले हैं बीच में और ये जो लेके चला है वो प्लस लेके चला है ठीक है तो यहाँ पे अब डिफरेंस ये क्रिएट होता है कि ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक के ऊपर डिपेंड करते हैं फिर अगर बुक में आपको बीच में माइनस दे रखा है तो आपका माइनस एट रिमाइंडर आएगा अगर आपको प्लस दे रखा है तो फिर आपका रिमाइंडर जीरो आ सकता है ठीक है तो ये आप हल्का सा बुक में देखिएगा कि उसमें क्या दे रखा है यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी फाइव इसमें आपको डिवाइड देना है एक्स प्लस सेवन से तो आप देखिए एक्स प्लस सेवन से जब आप डिवाइड देंगे एक्स प्लस सेवन लिखा आपने और बीच में आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी फाइव एक्स का डिवाइड आप एक्स स्क्वायर में देंगे तो एक्स आ जाएगा ठीक है अब एक्स का अगर आपने मल्टीप्लाई एक्स में करा तो इस वाले एक्स का मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो आप सेवन में भी मल्टीप्लाई करिए सेवन एक्स अब आप माइनस कर सकते हैं तो कितना बचा फाइव एक्स प्लस थर्टी फाइव अब देखिए यहाँ पे सेवन में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइव टाइम्स तो कितना हो जाएगा फाइव एक्स माइनस थर्टी फाइव हो जाएगा लेकिन प्लस का थर्टी फाइव होगा ओके क्योंकि दोनों प्लस के हैं ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है अब आप साइन चेंज कर दीजिए तो जियो रिमाइंडर बचेगा और क्वेश्चन कितना है आपके पास एक्स प्लस फाइव ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको क्या करना है थ्री एक्स प्लस टू था डिवाइड देना है आपको इसमें तो आप क्या करेंगे थ्री एक्स में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि आपको फिफ्टीन एक्स स्क्वायर मिल जाए तो थ्री एक्स में आप फाइव एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए तभी आपको फिफ्टीन एक्स स्क्वायर मिलेगा लेकिन अब इस फाइव एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो आपको कितना मिल जाएगा माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स अब आप इसके साइन चेंज करिए और सॉल्व कर लीजिए तो आपको इस टाइप से आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी आपको आंसर मिल जाएगा ये ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में आपसे क्या है फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टी थ्री एक्स प्लस फोर्टी फाइव में आपको डिवाइड देना है सेवन एक्स माइनस नाइन से तो अंदर कौन सा नंबर है फोर्टीन एक्स स्क्वायर और बाहर कौन सा नंबर है सेवन एक्स अब सेवन एक्स में कितने का मल्टीप्लाई करें फोर्टीन एक्स स्क्वायर हो जाए तो आप टू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे अब इस टू एक्स का मल्टीप्लाई इस दोनों में करेंगे तो सेवन एक्स में करेंगे और नाइन में करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे और साइन चेंज कर देंगे जैसा भी हो तो आप देख लीजिए ये नंबर आ गया माइनस का रहा ये आ गया अब देखिए सेवन एक्स में कितने का मल्टीप्लाई करें ये मिल जाए तो माइनस फाइव का करेंगे तो माइनस फाइव लिखा इस पूरे मल्टीप्लाई करा तो आपको ये मिल गया यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेवन ख़त्म होता है रिमाइंडर और क्वेश्चन आप कितने आ जाएंगे ठीक है ये आपके रिमाइंडर और क्वेश्चन कितने हो गए कहाँ गया टू एक्स माइनस फाइव हो गया ठीक है और रिमाइंडर कितना हो गया जीरो अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी वन एक्स प्लस फोर्टी सेवन ये आपको दे रखा ऑलरेडी अब इसमें आपको डिवाइड देना है टू एक्स माइनस फाइव से तो टू एक्स में कितने का मल्टीप्लाई करें सिक्स एक्स स्क्वायर मिल जाए थ्री एक्स का तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा फिर आप माइनस करेंगे साइन चेंज करेंगे ये मिलेगा अब टू एक्स में कितने का मल्टीप्लाई करें कि आपको ये नंबर मिल जाए माइनस सिक्सटीन एक्स तो माइनस एट का फिर माइनस एट का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे ये नंबर मिल जाएगा एंड में रिमाइंडर बचेगा आपके पास सेवन ये क्वेश्चन नंबर एट खत्म होता है अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन थोड़ा सा लाइन दिया बस इतना हार्ड नहीं है तो क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है टू एक्स प्लस थ्री दे रखा है आपको बाहर की साइड ठीक है अंदर क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर नाइन में टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू अब देखिए टू एक्स में कितने का मल्टीप्लाई करें टू एक्स क्यूब मिल जाए जाहिर सी बात है हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे टू एक्स में करा टू एक्स क्यूब और थ्री में करा तो थ्री एक्स स्क्वायर अब साइन चेंज करेंगे ये कट जाएगा तो कितना बचा माइनस का टू एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स अब आपका कितना बचा माइनस का एक्स बचा ठीक है तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स ये प्लस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा माइनस का टू एक्स अब हम नेक्स्ट नंबर क्या उतारेंगे माइनस का टू अब टू एक्स में कितने का मल्टीप्लाई करें माइनस का टू एक्स मिल जाए तो माइनस वन का करेंगे माइनस वन का करेंगे तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा माइनस टू एक्स और माइनस थ्री ठीक है तो आपका रिमाइंडर वन बचेगा तो आपका ये क्वेश्चन हो गया ये रिमाइंडर हो गया ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे फिनिश होता है अब देखिए क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में आपसे क्या रहा है एक्स क्यूब प्लस वन आपको दे रखा है और एक्स प्लस वन से आपको डिवाइड देना है ठीक है अभी आप अगर इस डिवाइड डिवीजन मेथड से करें तो नॉर्मल सी बात है उस सही करेंगे लेकिन अगर आपको इसको फॉर्मूला याद होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब का ये आपको बीच में नंबर दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लेकिन यहाँ पर हमारा एक की जगह एक्स है और बी की जगह वन है तो एक की जगह एक्स बी की जगह वन इतना हो जाएगा लेकिन डिवाइड किससे देना है एक्स प्लस वन से तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस है एक्स प्लस वन तो यही आपका नंबर बचा है ठीक है अब रही बात यहाँ पे माइनस की तो देखिए सीधी सी बात यहाँ पे आपको ये दे रखा है एक्स में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका ए प्लस बी का मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मला है तो इसमें एक दिक्कत है जब ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे ए बी से पहले माइनस आता है ठीक है तो आपका ये आंसर सही है और अगर यहाँ पे ये यह माइनस का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू तो फिर तीनों में प्लस आता है ठीक है तो आपका जो डिवाइड है वो एकदम करेक्ट है अगर आपको डिवाइड से नहीं करना होता था तो फिर आप ऐसे कर सकते थे लेकिन अभी आपको डिवाइड से करना है तो फिर आप ऐसे ही करिए ठीक है ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है अब देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन में इलेवन में हमसे क्या बोला गया है पोव फोर माइनस टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इतने सारे टर्म दे रखे हैं आपको फाइव टर्म्स उसमें आपको डिवाइड देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से तो पहला एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि आपको की पावर फोर मिल जाए तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आपकी ये लाइन कंप्लीट फिर आप इन सबके साइन चेंज करेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी अब आप देखिए एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री एक्स मिल जाए तो आप माइनस थ्री एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपको ये मिल जाएगा ठीक है अब एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमें फोर एक्स स्क्वायर मिल जाए तो आप कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे फोर का तो आपको ये पूरी लाइन मिल जाएगी फिर आप इन सब के साइन चेंज करिए आपको ये आंसर मिल गया ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हमसे क्या कह रहा है एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स का प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स में डिवाइड देना है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स से तो एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब मिल जाए एक्स का ठीक है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें सिक्स एक्स स्क्वायर मिल जाए ठीक है वो सॉरी ये वाला एक्स स्क्वायर मिल जाए तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन का जब आप इस पूरे के साइन चेंज करेंगे तो आपको सीधे डायरेक्ट जीरो मिल जाएगा ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसमें आपको क्या दे रखा है फाइव एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टीन में डिवाइड देना है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर से तो फाइव एक्स क्यूब में कितने का डिवाइड दें एक्स स्क्वायर आप एक्स स्क्वायर में मतलब हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि आपको फाइव एक्स क्यूब मिल जाए तो आप कितना का कितने का करेंगे फाइव एक्स का तो आपको पूरी लाइन मिल जाएगी फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि थ्री एक्स स्क्वायर मिल जाए तो आप थ्री का कर देंगे मल्टीप्लाई तो आपने थ्री का कर दिया तो आपको ये पूरी लाइन मिल जाएगी अब जब आप इसके साइन चेंज करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा रिमाइंडर के तौर पर तो क्वेश्चन तो आपका आ गया फाइव एक्स प्लस थ्री और रिमाइंडर आ गया आपका एक्स प्लस वन ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है आप देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फोर्टीन वाला फोर्टी वाले में आप देखिए टू एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है स्टार्टिंग में माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इतने का आपको डिवाइड देना है वो भी किस में देना है इसमें देना है आप देखिए टू एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें टू एक्स क्यूब मिल जाए एक्स का तो ये पूरी लाइन आ जाएगी माइनस कर देंगे ये आ जाएगा फिर आप देखेंगे टू एक्स क्यू में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमें आगे वाले नंबर मिल जाएंगे ये वाले तो हम कितने का करेंगे माइनस वन का माइनस वन का करेंगे तो आपका पूरा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा एक्स माइनस वन ठीक है अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन से आपको डिवाइड देना है एट एक्सी पावर फोर प्लस टेन एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन में तो टू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको कितना मिलेगा फोर एक्स स्क्वायर तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा ये अब आप देखिए टू एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें सिक्स एक्स क्यूब मिल जाए तो आप क्या करेंगे थ्री एक्स का मल्टीप्लाई तो आपको पूरी लाइन मिल गई तो आपका ये रिमाइंडर बचेगा आप देखिए टू एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें माइनस का फोर एक्स स्क्वायर मिल जाए माइनस टू का तो आपको ये पूरी लाइन मिल गई तो फाइनली रिमाइंडर क्या बचा आपके पास एक्स माइनस वन बचा ये आपका फाइनल आंसर हो गया ये आपका रिमाइंडर हो गया और क्वेश्चन आपका ये रहा ठीक है फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू और रिमाइंडर कितना हो गया x माइनस वन ठीक है तो ये वाली आ क्वेश्चन और ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन्स सिक्स डी का ओके थैंक यू